वीरू देवगन की सबसे प्यारी बहू थी काजोल, एकदम बेटी से बढ़कर। अपने फादर इन लॉ वीरू देवगन में पापा की छवि देखने वाली काजोल। जी हाँ, और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि 3 साल पुराना ये वीडियो इस बात की खूब अच्छी तरह तस्दीक करता है। ये वीडियो जी के एक अवार्ड शो का है, जहां वीरू देवगन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया। आप खुद देखिए कि एक बहू के तौर पर काजोल अपने ससुर जी के लिए कितनी केयरिंग थी। आगे आगे चल रहे वीरू देवगन को एकदम बेटी की तरह संभालते हुए चल रही थी काजोल। गौर से देखिए जरा, खराब सेहत से जूझ रहे वीरू देवगन को लेकर कैसे काजोल की आंखों में प्यार और केयर झलक रही है। कहते हैं काजोल घर पर भी वीरू देवगन का खूब ध्यान रखती थी, उनके खाने से लेकर दवाइयों की टाइमिंग तक सब कुछ। जब वीरू देवगन कुछ भूलते थे तो एक बेटी की तरह उन्हें प्यार से डांटती भी थी। यही वजह थी जब वीरू देवगन के ना रहने की खबर काजोल को मिली तो वो बच्चों की तरह ऐश्वर्या से लिपट कर रोने लगी। सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि जब वीरू देवगन को कार्डियक अरेस्ट आया, उस वक्त काजोल ही उन्हें खाना खिला रही थी। खाना खाते खाते वीरू देवगन डाइनिंग टेबल पर ही गिर गए और तब घबराई हुई काजोल ने फौरन फोन करके अजय देवगन को घर बुलाया। अजय आनंद फानन में अपने घर पहुँचे और अपने डैड को लेकर अस्पताल गए, लेकिन उन्हें बचा ना सके। काजोल अपने फादर इन लॉ से किस कदर इमोशनली कनेक्टेड थी, उसका अंदाजा इस तस्वीर से भी लगाया जा सकता है कि जब तक अस्पताल से वीरू देवगन का पार्थिव शरीर घर नहीं आया, वो यहाँ इसी तरह बालकनी में खड़े होकर उनका इंतजार करती रही। वीरू देवगन के चले जाने से देवगन परिवार में जो खालीपन आया है उसे भर पाना तो अब नामुमकिन ही है। लेकिन एक पिता के तौर पर वीरू देवगन ने जैसी बहू और बेटे को पाया है वो उनके लिए काफी दिल को सुकून देने वाली बात थी। वीरू देवगन को उनकी आखिरी यात्रा पर हमारी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।